और गरियाबंद से दिल दहला देने वाली घटना सामने आ रही है। मासूम को खुखार तेंदुआ उठा ले गया जंगल में। बता दें कि 150 जवानों के साथ खोजी डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया था। खोजबीन के बाद बच्ची के शरीर के कई अंग, बच्ची के पहने कपड़े छत विछत मिले हैं। बता दें कि तेंदुए के निशान जमीन पर, पेड़ पर चढ़ते और उतरते मिले हैं। वहीं वन विभाग ने नियमानुसार बच्ची के परिजन को आर्थिक सहयोग के रूप में 25,000 तत्काल प्रदान किया है। मामले में SP पारुल माथुर, एडिशनल SP सुखनंदर राठौर समेत वन विभाग के SDO मनोज चंद्राकर समेत कई अधिकारी दिन भर जंगल की खाक छानता रहे। तो बड़ी खबर है गरियाबंद से, जहां पर दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। बता दें कि घटना 17 अगस्त की बताई जा रही है, जब शाम को बच्ची के पिता ने अपने लापता बच्ची के खोजबीन का काफी प्रयास किया, इसके बाद नहीं मिलने पर इसकी सूचना पुलिस को दी। बमली गांव के एक बच्ची मिसिंग रिपोर्ट आज दोपहर में प्राप्त हुई थी, जिस पर आकर के मौके का निरीक्षण किया गया। पूरी पुलिस टीम द्वारा सर्च कार्रवाई की गई। वहां तेंदुआ के फुटप्रिंट मिले थे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कंफर्म होने के बाद इस जंगल में आसपास सर्चिंग कार्रवाई की गई, जिसमें उसके कुछ अवशेष, हड्डियाँ, बाल और ये कुछ चीज़ें बरामद हुई हैं, और पेड़ जिस पर तेंदुआ चढ़ने का निशान है वो भी मिला हुआ है। क्या लगता है सर, क्या किया, किसने क्या किया बच्ची को? प्रथम दृष्टया तेंदुआ के फुटप्रिंट मिल रहे हैं इस जगह पर, पेड़ में चढ़े हुए निशान मिल रहे हैं, और उसके बच्ची के कपड़े भी प्राप्त हुए हैं, खून से सना हुआ और हड्डियाँ खाया हुआ किसी जानवर का, तो तेंदुआ के द्वारा किया गया ऐसा प्रतीत हो रहा है। ये जो पग मार्क्स देखे हैं घर के पास, जो उनके सुबेराम के घर के पास जो पग मार्क्स देखे हैं, उसमें से तो लग रहा है लकड़बग्घा है, लेकिन जो अंदर जंगल में जो बच्चे को उठा के ले गया है वो दिख रहा है अलग अलग जगह टुकड़ा, उससे यहाँ तेंदुआ का निशान दिख रहा है अलग अलग जगह, तो ऐसा लग रहा है अभी कि वो तेंदुआ उठा के ले गया बच्चे। क्या किया है सर, घटना क्या किया है यहाँ पर, क्या तेंदुआ आता रहा है और लोगों को सुरक्षा के लिए आगे क्या करेंगे? ये जंगल क्षेत्र है पूरा, और जंगल क्षेत्र में तेंदुआ हमेशा विचरण करता है, पहले भी यहाँ विचरण करता था। जब भी ऐसी सूचना मिलती है कि विचरण कर रहा है,